दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जो लोग इसका पार्ट वन नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वन देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पार्ट टू है, ये क्लास नंबर टू है। इसलिए आप पहले क्लास नंबर वन को जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। अब बात आया है श्रीनगर का, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये लगभग सभी को पता होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइए जम्मू कश्मीर को देखते हैं। दोस्तों ये आप जम्मू कश्मीर का मैप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। जैसा कि ये जम्मू कश्मीर है अपने भारत में, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, और जम्मू जो है ये शीतकालीन राजधानी है, जो आप देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शहर श्रीनगर है। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड है कि जम्मू कश्मीर का राजभाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर का राजभाषा उर्दू है। जम्मू कश्मीर का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, जो कि मुख्यमंत्री इस समय नहीं है, महबूबा मुफ्ती थी, बशर्ते कि राज्यपाल शासन चल रहा है इस समय। आप देख सकते हैं विधानमंडल, यहाँ का विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद 36 सीटें हैं, और विधानसभा में 89 सीटें हैं, और राज्यसभा में 4 सीटें हैं, लोकसभा में 6 सीटें हैं। और यदि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय की बात की जाए, तो जम्मू और कश्मीर में उच्च न्यायालय स्थित है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? अगर शॉर्टकट में बात की जाए तो एनडीए कहाँ स्थित है? तो एनडीए खड़गवासला में स्थित है, जो कि खड़गवासला महाराष्ट्र में पड़ता है। अब महाराष्ट्र का नाम आया है, तो आइए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये आप महाराष्ट्र का मैप देख रहे हैं, ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी की बात की जाए, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर भी मुंबई है। चलते हैं हम अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है कि महाराष्ट्र का राजभाषा क्या है? तो महाराष्ट्र का राजभाषा मराठी है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राज्यपाल चेन्नामनेनी विद्यासागर यहाँ के हैं, और मुख्यमंत्री इस समय देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि भाजपा से हैं। विधानमंडल की बात की जाए, तो विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की संख्या 78 है। विधानसभा की बात की जाए, तो 288 सीटें विधानसभा में हैं। और राज्यसभा की बात की जाए, तो राज्यसभा की सीट 19 है। और लोकसभा की बात की जाए, तो लोकसभा की सीटें 48 हैं, जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसकी लोकसभा सीटें ज़्यादा हैं। पहले स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र। और यहाँ की उच्च न्यायालय की बात की जाए, तो मुंबई में उच्च न्यायालय भी स्थित है। चलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बॉम्बे हाई बॉम्बे में ही स्थित है। और हम महाराष्ट्र के बारे में इसी वीडियो में अभी बता चुके हैं, इसलिए आप लोग उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि उसका राजधानी कहाँ है, और राज्यपाल कौन है, और मुख्यमंत्री कौन है। ये तीन बातें तो आपको इम्पोर्टेंट है कि याद रखना ही चाहिए एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? तो मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी है। अब बात आया है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये आप आंध्र प्रदेश का मैप देख रहे हैं, ये रहा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश की राजधानी बात की जाए तो हैदराबाद है, जो कि ये कानूनी रूप से है। अमरावती प्रस्तावित राजधानी है। सबसे बड़ा शहर आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में है कि आंध्र प्रदेश का राजभाषा क्या है। तो आंध्र प्रदेश का राजभाषा का बात की जाए तो तेलुगु वहाँ की राज्य भाषा है। आंध्र प्रदेश का गठन की बात की जाए तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और दोस्तों ये एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ कि अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य का गठन हुआ था पहली बार। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का ही गठन हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की बात की जाए तो ESL नरसिम्हन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो N चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल की बात की जाए तो द्विसदनात्मक विधान मंडल है यहाँ का। विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद 58 है। विधानसभा की बात की जाए तो 176 सीटें विधानसभा में हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। अब दोस्तों बात आया है आसाम का, तो आसाम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये आप लोग आसाम का मैप देख रहे हैं, ये रहा आसाम। आसाम की राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है आसाम का। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है कि आसाम का राजभाषा क्या है। तो आसाम का राजभाषा की बात की जाए तो असमिया वहाँ का राजभाषा है। और आसाम का गठन की बात की जाए तो 26 जनवरी 1960 को आसाम का गठन हुआ था। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल जो कि भाजपा से हैं। और विधानमंडल की बात की जाए यहाँ की, तो विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा सीट की बात की जाए तो 126 सीट है। और राज्यसभा की बात की जाए तो 7 सीटें हैं। और लोकसभा की बात की जाए तो 14 सीटें हैं। उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है, जो कि गुवाहाटी आसाम में पड़ता है। आसाम के गुवाहाटी में उच्च न्यायालय, आसाम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में स्थित है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं। तो चंदन के वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक को देख लेते हैं। दोस्तों ये मैप में आप कर्नाटक को देख रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु ही है। कर्नाटक की जो राजधानी है वही सबसे बड़ा कर्नाटक का शहर भी है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड में। कर्नाटक की राजभाषा की बात की जाए तो कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक के राज्यपाल वज्जू भाई वाला हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी हैं। विधानमंडल की बात की जाए तो द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद की बात की जाए तो 75 सीटें विधान परिषद में हैं। और विधानसभा की बात की जाए तो 225 विधानसभा में सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कर्नाटक का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी स्थित है। कर्नाटक में अपना खुद का उच्च न्यायालय स्थित है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अब बात आया है अहमदाबाद का, तो चलते हैं अहमदाबाद को देख लेते हैं, जो कि अहमदाबाद अपना गुजरात में स्थित है। अब गुजरात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों ये आप गुजरात को का मैप देख रहे हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड में।
गुजरात की राजभाषा की बात की जाए तो गुजराती वहाँ का राज्य भाषा है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राज्यपाल हैं गुजरात के ओम प्रकाश कोहली और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जो कि भाजपा से हैं। विधानसभा की बात की जाए तो एक सदनीय यहाँ का विधानसभा है, एक सदनीय विधानमंडल है जो कि विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। और गुजरात का उच्च न्यायालय भी अपना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तट मंदिर कहाँ स्थित है, तो तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है जो कि मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। अब बात आया है तमिलनाडु का तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये तमिलनाडु का आप मैप देख पा रहे हैं। तमिलनाडु की राजधानी की बात की जाए तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है जो कि सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई ही है। जो तमिलनाडु की राजधानी है वही तमिलनाडु की सबसे बड़ा शहर भी है। चलते हैं अगले स्लाइड में। तमिलनाडु की राजभाषा की बात की जाए तो तमिल वहाँ की राजभाषा है। यहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। विधानमंडल की बात की जाए तो एक सदनीय विधानमंडल है यहाँ का और विधानसभा 235 सीटें विधानसभा में हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं जो कि तमिलनाडु का उच्च न्यायालय मद्रास में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। अब बात आई है कानपुर की तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में एग्जाम के लिए देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों आप मैप में उत्तर प्रदेश को देख पा रहे होंगे जो कि ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का सबसे शहर बड़ा शहर कानपुर है। चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड में, अगले स्लाइड में देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजभाषा की बात की जाए तो हिंदी और उर्दू, पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। उत्तर प्रदेश के गठन की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और राज्यपाल यहाँ के राम नाईक जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो भाजपा से हैं। विधानमंडल की बात की जाए तो द्विसदनात्मक विधानमंडल है यहाँ का। विधान परिषद की बात की जाए तो 100 सीटें विधान परिषद में हैं और विधानसभा की बात की जाए तो 404 सीटें विधानसभा में हैं और राज्यसभा की बात की जाए तो 31 सीटें राज्यसभा में हैं। लोकसभा की बात की जाए तो 80 सीटें लोकसभा में हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कुद्रेमुख में क्या मिलता है, तो कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। अगला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की राजभाषा क्या है, नागालैंड की राजभाषा की बात की जाए तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अब देख लेते हैं नागालैंड के बारे में जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या हो सकता है। दोस्तों आप ये नागालैंड का मैप देख रहे हैं जो कि ये नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी की बात की जाए तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है और नागालैंड का सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड में, देख लेते हैं नागालैंड के बारे में और कुछ। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपको देखना है कि नागालैंड का राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के राज्यपाल हैं पद्मानव बालकृष्ण आचार्य और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं और लोकसभा की सीटें भी 1 ही हैं। और नागालैंड में उच्च न्यायालय जो स्थित है वो गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का आप मैप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। देख लेते हैं अगले स्लाइड में। मध्य प्रदेश की राजभाषा की बात की जाए तो हिंदी मध्य प्रदेश का राजभाषा है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, जो कि कांग्रेस के अभी नए नए बने हैं। विधानमंडल की बात की जाए तो एक सदनीय विधानमंडल है मध्य प्रदेश का। विधानसभा सीट की बात की जाए तो 231 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो 11 सीटें हैं। और लोकसभा की बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटें हैं। जो कि उच्च न्यायालय की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है। तो सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के बारे में इसी वीडियो में हम बताए हैं। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य केरल है। अब बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये आप केरल का मैप देख पा रहे हैं, ये रहा केरल। केरल की राजधानी की बात की जाए तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का सबसे बड़ा शहर भी तिरुवनंतपुरम ही है। और जनसंख्या की बात की जाए तो 3 करोड़ जनसंख्या है केरल की लगभग। चलते हैं अगले स्लाइड में, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में है कि राजभाषा केरल की क्या है। तो केरल की राजभाषा मलयालम है। और केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल की बात की जाए केरल की तो पी सत्यशिवम राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं केरल के। और विधानमंडल का बात की जाए तो विधानमंडल एक सदनीय है केरल का। विधानसभा की सीटें 140 हैं और राज्यसभा की सीटें 9 हैं और लोकसभा की सीटें 20 हैं। और उच्च न्यायालय केरल का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदुकी परियोजना केरल में किस नदी पे है। तो इदुकी परियोजना की बात की जाए, इदुकी परियोजना केरल में किस नदी पर है। तो इदुकी परियोजना पेरियार नदी पर है। दोस्तों ये परिवार नहीं है, ये पेरियार नदी है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोलार, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये अतिरिक्त सोने की खान है, ये किस नाम से जानी जाती है। तो कोलार जो अतिरिक्त सोने की खान है, ये हट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। तो हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। अब कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं कि कर्नाटक एग्जाम इम्पर्टिव एग्जाम के लिए कि कौन कौन सी बातें कर्नाटक में हमको याद रखनी चाहिए। देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। दोस्तों आप ये कर्नाटक का मैप देख पा रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु ही है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है कर्नाटक का राजभाषा क्या है। तो कर्नाटक का राजभाषा की बात की जाए तो कन्नड़ है। और कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक के राज्यपाल वज्जू भाई वाला हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो HD कुमार स्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और विधानमंडल की बात की जाए तो कर्नाटक का विधानमंडल 2 सदनीय है। विधान परिषद 75 सीटें हैं, विधानसभा में 225 सीटें हैं और राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कर्नाटक का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी स्थित है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो एक बार मध्य प्रदेश का मैप देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है।
तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के बारे में हम इसी वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के विधानसभा की सीट कितनी है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कथकली राष्ट्रीय नृत्य कहाँ का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, मौन घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है, तो मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का मैप देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ये हिमाचल प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो कि दूसरी राजधानी धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर भी हिमाचल प्रदेश का शिमला ही है। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है कि हिमाचल प्रदेश का राजभाषा क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का राजभाषा हिंदी है और हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। विधानमंडल की बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की सीटें 68 है, राज्यसभा की सीटें 3 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध कहाँ से है, तो हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान से है। अब बात आई है राजस्थान की, तो देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। दोस्तों ये आप राजस्थान का मैप देख रहे हैं, राजस्थान की राजधानी की बात की जाए तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी जयपुर ही है राजस्थान का। चलते हैं अगले स्लाइड में, अगला स्लाइड देख लेते हैं। अगला स्लाइड है, राजस्थान की राजभाषा क्या है, तो राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी हिंदी है और राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल यहाँ के कल्याण सिंह हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि अभी जल्द ही में बने हैं, जो कि ये कांग्रेस से हैं। और विधानमंडल की बात की जाए तो एक सदनीय विधानमंडल है राजस्थान का, और विधानसभा की संख्या 200 है, राज्यसभा की संख्या 10 है, लोकसभा की संख्या 25 है, और उच्च न्यायालय राजस्थान का अपना खुद का उच्च न्यायालय भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। दोस्तों ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।